by Raju Srivastava. खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। एक बार क्या हुआ कि बॉम्बे के सब भाई लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग की, भाई लोग मतलब गुंडे लोग, सब जगह मीटिंग की, जितने कयूम भाई, पप्पू कुरला, बाबू जलेला, छपरी, खजूर, खटिया, सब एक जगह जमा हो गए। उनका जो हेड है वो बोला, चले खजूर बैठ जा, ए बाबू जलेला बैठ, बाबू जलेला, ए कयूम काना, कयूम काना। एक बोला भी, भाई भाई एकदम से बोला, अचानक बोला, मैं मर्डर करने को जा रहा था, छोड़ के आया। भाई कोई खास बात है? भाई कोई खास बात है? अपने मगज में एक आइडिया आया है, अभी भाईगिरी के अंदर पहले जैसा मजा नहीं है, पब्लिक शानी हो गई है, रोकड़ा घर पे रखती नहीं, एटीएम का नाटक आगे ले। ये एटीएम कौन निकाले ले, मैं उसका एड्रेस ढूंढ रहे लाऊ, समझाना। अपने दिमाग में आइडिया आया है, अपन लेन चेंज करेंगे, कल से सत्संग प्रवचन स्टार्ट करेंगे। मैं सब बाबा लोग को सुन के आ रहे लाऊ, बोल वचन पब्लिक को देने का। एड़े लोग आते, पैर को हाथ लगाते, पैसा भी देके जाते। व्हाइट कॉलर धंधा है, पुलिस का भी लफड़ा नहीं है, लोचा नहीं है, इनकम टैक्स का भी नाटक नहीं है, कल से सत्संग स्टार्ट करूंगा, समझा। ए बाबू जलेला, कोई अच्छी जगह, साफ जगह देख के स्टेज बांध दे, मैं स्टार्ट करेंगे सत्संग। भाई भाई इधर भिंडी बाजार में भाई जामा मस्जिद है ना, उसके पीछे भाई मैदान है, वहां इधर बाम्बू वाम्बू गाड़ के कुर्सी डाल के भाई सत्संग स्टार्ट कर सकते। एड़े इधर, ये क्या कव्वाली का प्रोग्राम है? अच्छा जू पे कोई इस्कॉन इस्कॉन बुक कर, समझाना। अब इस्कॉन बुक हो गया, वहाँ पे सब जमा हो गए, पब्लिक जमा हो गई। भाई बोला, ए कयूम इधर, पब्लिक आ गई। भाई हाउसफुल है, भाई हाउसफुल है, भाई बाहर से मैंने कड़ी वड़ी बांध दी है, भाई जब तक सत्संग खलास नहीं होगा कोई निकलेंगे नहीं भाई। और ये सुने एड़े, सिक्योरिटी के लिए क्या किया? मेरा पहला प्रवचन है, मैं श्लोक लोग भूल जाऊंगा, ऊंच नीच होएगा, सिक्योरिटी के लिए क्या किया? भाई क्या किया, हर रो में चार चार पब्लिक के बीच में दो दो छोकरे अपने बिठाए, भाई सब घोड़ा वोड़ा सलिया वलिया उस्तरा लेके बैठे ले। अरे ये बहुत पुराना हो गया। ए कयूम तूने क्या किया सिक्योरिटी का? भाई मैंने क्या किया, हर गेट पे अपने छोकरे ऐसे खड़े रहेंगे, ये ऐसे कहे के लिए, भाई हर एक के मुंह में मैं आधा आधा लीटर पेट्रोल दिए ले, मैं उनको बोल दिया ला भाई से कुछ ऊंच नीच होएगा, भाई बोलेंगे थूक, माचिस मार के निकल लेने का। ए पप्पू कुरला, ये मेरा घोड़ा है, इसको लोड कर कमंडल में रख दे। भाई कमंडल में ट्राई किया था, भाई कमंडल से इतना निकलेला है, अरे एड़े नारियल फोड़ के ढक्कन पीना उसको। पहला प्रवचन है, मेरे को रिस्क नहीं मांगता है, साउंड वाले बुला जरा उसको, एड़े को ये प्रवचन स्टार्ट करे लो, बीच में तेरा माइक कहाँ कू की नहीं करना मांगता है। हाँ माइक टेस्ट करा रहे पहले एड़े, मैं फोड़ डालूंगा, मैं तेरे फैमिली को लाउड स्पीकर बना दूंगा मैं, समझा ना। चल माइक टेस्ट करा, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 3 किधर है? ये बिगिनिंग में लीक हो रहा है, इसको वेल्डिंग करा एड़े, पर्दे वाला है, पर्दा पर्दा खोल, बोलूँ खोलना नहीं, पूरा खोल डालूंगा। तेरे छोकरे पढ़ते ना जानकी देवी में, तेरी बेटी पढ़ती ना 4th स्टैंडर्ड में, पहचानते ना जगह पे दिखना। चले प्रवचन स्टार्ट कर, पर्दा खुला, प्रथम अध्याय आरंभ करेला हूं, जिस समय सीता मैया अपनी खोली में बैठेली थी, उधर लंका का भाई कंस आयला था। कंस ने बोला, माते मला भूख लागली, खायला द्या, मला भिक्षा द्या। ऑडियंस में से, दर्शक में से एक उठा, महाराज क्षमा कीजिए, वो भाई कंस नहीं था, वो तो भाई रावण था, त्रुटि हो रही, मुझे रामायण कंठस्थ है, वो रावण था। ए गफूर लाइट मार इस पे, कौन है लाइट मार, कौन है इसको साइड में ले, खंबे के पीछे ले जा, कोपचे में 2-3 पीना इसको, 2-3 खर्ची दे एड़े, इसको समझा। इन लोगों की वजह से हम लोग लाइन नहीं चेंज कर पा रहे ले। कोई अच्छे धंधे में आ रहेला तो बीच में उंगली करना जरूरी क्या?
चले इसको दे डाल दे, ए ज्यादा ब्लड नहीं मांगता, जिधर से उठाया था उधर ही वापस बिठा, नहीं तो पब्लिक बोलेंगे एक एक कम किधर हो रही ले। द्वितीय अध्याय आरंभ करेला हूँ। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रिला था, चीर है कि खींचता जा रहा है समाप्त होने का नाम नहीं, चीर खींच रहा था कुंभकरण, चीर खींचता जा रहा है क्योंकि उसके पीछे ताकत थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। कोई खड़ा हुआ बीच में से, अरे भाई क्षमा कीजिए, वो भाई गणेश जी नहीं थे, वो तो कृष्ण भगवान थे, और कुंभकरण नहीं दुशासन ने चीर खींचा था। अभी कौन है? टॉर्च मार इसमें। तू है तू? नहीं नहीं भाई, मैं तो पहले वाला हूँ। पहले वाला हूँ भाई, ये मेरे बाजू वाला बोला है, इसको आइडिया नहीं ना आपके बारे में, इसको किधर भेजूं? अच्छा जिधर मैं था भाई, दो खंबा छोड़ के जाओ। कर्टन डाल, इससे मैं बात करें, एड़े सीधे इधर। मैं तेरे को एक शर्त पे छोड़ेगा, द्रौपदी का चीर दुशासन की जगह कुंभकरण खींचेगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा? कर्टन पड़ा हुआ है, इतने में कोई भाग क्या है? भाई भाई आप किसी से लफड़ा मत करो भाई, भाई बस मस धंधा जा रहेला भाई, अच्छा कलेक्शन आ गया भाई, बुझेली आरती में 1.5 लाख रोकड़ा आ गया है भाई, जलाना भूल गया था भाई, आरती बीच में रख के भाई चारों बाजू मैंने घोड़ा रख दिया था, लोग घड़ी चेन निकाल के तेरे मस्त धंधा जा रहा भाई, अब लफड़ा मत करो। कर्टन बंद है, आधा घंटा हो गया कर्टन खुला नहीं, पौना घंटा हो गया कर्टन खुला नहीं, पब्लिक बोल रहे खोल, अरे चालू करो प्रवचन, चालू करो। कुछ लोग हिम्मत करके पर्दा खोल के अंदर गए तो अंदर कोई है ही नहीं, सब गायब। किसी से पूछा क्या हुआ? मालूम नहीं भाई, पुलिस की रेड पड़ी, सब अंदर। थैंक यू। सारे कुत्ते चीटेड फील कर रहे हैं कि हमें रॉयल्टी भी नहीं देते हैं और हमारा नाम यूज करते हैं फिल्म वाले। सारे कुत्ते शिवाजी पार्क में जमा हो गए, मीटिंग हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी है। कुत्तों का प्रेसिडेंट ऊपर बैठा है। अब एक एक कुत्ता आता है कंप्लेंट लेके फिल्मों की, सर मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ, उसमें बोल रहा था उड़ा दे खोपड़ी इस कुत्ते की, ये क्या चक्कर, इंसान अपने झगड़े में हमारी खोपड़ी क्यों उड़ाता है? दूसरा कुत्ता के 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 ओगा, सर मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ, उसमें बोला था इसको ले जाओ और कुत्ते की मौत मारो, सर ये कौन सी मौत है जो हम लोगों की हमें नहीं पता है? तीसरा कुत्ता पंजाब के 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 ओगा, सर मैं सबसे ज्यादा धर्मेंद्र से नाराज हूँ, धर्मेंद्र ने कभी वादा पूरा नहीं किया है, हर फिल्म में बोलता कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा और तेरी हड्डी खाने के लिए कुत्ते को दूंगा, आज तक नहीं दिया। प्रेसिडेंट ने बोला ये बात है, थिएटर बुक करो, आई वांट एविडेंस, मुझे सबूत चाहिए। सारे कुत्ते सिनेमा हॉल में आ गए, पूरा थिएटर बुक कर लिया टिकट लेके। कुछ कुत्ते इतने होशियार थे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 चक्कर भी लगाए सिनेमा हॉल के। फिल्म शुरू होने के पहले जैसे ही थिएटर में आए, गेटकीपर हैरान, उनको बिठावे कैसे, गेटकीपर घूम रहा, काटना नहीं, एक सेकंड, टिकट बताओ, एक पैजामा छोड़ो, एक सेकंड, ऊपर से मत निकलो, आप बी रो में 3 छोड़ के बैठिएगा, ठीक है, ये कुत्ती आपके साथ है, अच्छा, इसको साथ ही रखिए, दूसरे भी सूंघ रहे हैं। फिल्म शुरू होने के पहले प्रेसिडेंट ने कहा, इन बिटवीन फिल्म कोई भौंकेगा नहीं, तमीज के साथ कुत्ता बन के देखना, ऑब्जेक्शनल डायलॉग होगा, डायलॉग शुड बी नोटेड, नो वायलेंस, देन आई विल टॉक टू पहलाज नीलानी, स्मिता ठाकरे एंड देवानंद दिलीप कुमार, नो वायलेंस, स्टार्ट द मूवी। फिल्म शुरू हुई, पहले ही डायलॉग धर्मेंद्र ने बोल दिया, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून खामोश, नहीं यही सर खून पी के जा रहा है, तभी आजकल हम लोग बारीक होते जा रहे हैं, बदतमीजी मत करो, पॉइंट शुड बी नोटेड, वॉच मूवी। 2 रील फिल्म गई, धर्मेंद्र ने फिर बोल दिया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, खामोश, इतना भड़कने की जरूरत नहीं धर्मेंद्र के ऊपर, तुमने भी इंसान को कितने बार 14 इंजेक्शन दिया, पेट में इंजेक्शन लगते तुम्हारी वजह से, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हो, अच्छी सी मैम साहब तुम्हें गोद में लेती हैं, जहां बड़े बड़े लोग पहुंच नहीं पाते।
दो तीन बार नाम ले लिया, गुनाह नहीं किया? वॉच मूवी, पॉइंट शुड बी नोटेड. फिल्म खत्म होने वाली थी कि गब्बर सिंह ने रिस्क ले लिया. अरे ओ सांभा, उठा तो बंदूक और लगा निशाना कुत्तों पर. उसके बाद तो कुत्ते रुके ही नहीं, प्रेसिडेंट को ढकेल दिया, सारे कुत्ते पर्दे पे, पूरा पर्दा नोच दिया, पर्दे के चीथड़े कर दिए और पर्दे को खंबा समझ के. एक न्यूज चैनल वाले हैं, वो अपने प्रोमो में हर बार बोलते हैं सबसे तेज चैनल, सबसे तेज चैनल. मैं बोलता हूँ तेज नहीं भाई, महा तेज चैनल. पिछले साल बॉम्बे में दो ही बॉम्ब विस्फोट हुए थे, ये चार बता रहे थे. शाम होते होते सात कर दिए थे, फिर रात को 11 बजे माफी मांगी थी. दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, बोला जान देना देखते ही कौन है. तो न्यूज में भी तरक्की हो गई. इनका कहना है इनके कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत दूर दूर फैले रहते हैं, संवाददाता. अब इनसेट में बात करते हैं, देखिए किस तरह से न्यूज. अब आइए आपको ले चलते हैं बगदाद. हमारे संवाददाता दीपक चौरसिया मौजूद हैं, दीपक से हम कुछ बातचीत करेंगे. दीपक बताइए बगदाद में क्या हालात हैं. दीपक दीपक ए दीपक दीपक टॉयलेट तो नहीं चले गए? दीपक से संपर्क टूट गया है, दोपहर को भी टूटा था, थोड़ी देर पहले भी 4-5 जो टूटा था, मेरे टाइम पे जास्ती टूटता है. फिलहाल आपको ले चलते हैं ढाका, जहाँ हमारी संवाददाता नगमा मौजूद हैं. नगमा बताइए आज के मैच के बारे में सौरभ गांगुली ने क्या रणनीति बनाई है. नगमा नगमा ए नगमा 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 का संपर्क लगता है हमसे ज्यादा सौरभ से हो गया है. सुबह ही बता रही थी पिच गीली है. फिलहाल दीपक ऑनलाइन है. हाँ दीपक बताएं वहाँ क्या हालात हैं. और दीपक को मुँह ऐसा. दीपक दिख रहे हो, बोलोगे क्या अगले साल? हाँ वो जो लटक रहा है कान में घुसेड़ लो. दीपक वहाँ क्या हालात हैं बगदाद में. दीपक मैं सद्दाम हुसैन के महल के बाहर से बोल रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, कोई फोर्स नहीं, मैं बेरोक टोक आ रहा हूँ जा रहा हूँ. मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैं सद्दाम के पलंग पे 4 घंटे सो के आया हूँ. और देवांग मैं अभी मैं सद्दाम हुसैन के किचन में गया था, वहाँ कुछ सब्जियाँ पड़ी थी, सब्जी में कुछ टमाटर भी थे, टमाटर से रस टपक रहा था, तो रस टपकने से वहाँ कीड़े पैदा हो गए हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए. तो इससे ये प्रूफ तो होता है कि सद्दाम के पास जैविक हथियार हैं, कीटाणु बम, जिस वजह से लड़ाई हुई थी.